तो यहाँ पे एक फैमिली वो जा रही है, और पाप तो अरे भाई 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 वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज का ये सेकेंड ट्रैवलिंग ब्लॉग है। सो आज हम लोग, मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं गोवा, दो दिन के गोवा जा रहे हैं, यहाँ मुंबई से रोड ट्रिप गोवा के लिए। अभी नाइट टाइम पे सोचो कितना एक्साइटिंग होगा, ठंडी हवा, मस्त हाईवे पकड़े हम लोग NH-48, मस्त थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए कि कैसा क्या क्या करते हैं हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं, अब यहाँ से गोवा तक का रास्ता 11 hours 18 minutes दूर है, एंड वी हैव मोर 582 किलोमीटर्स टू बी कवर्ड। तो देखते रात भर हम लोग कार चला पाएंगे कि थोड़े मेरे मामा चलाएंगे, थोड़े मैं चलाऊंगा, देखते या फिर हम लोग ब्रेक लेंगे, लेट्स सी। अभी हम लोग पूना के आगे एक छोटा सा ढाबा रेस्टोरेंट टाइप है, वहाँ पे हम लोग ने ब्रेक किया, वॉशरूम ब्रेक और कुछ स्नैक्स का ब्रेक वहाँ ब्रेक किया। अभी यहाँ पे बैठे सब, यहाँ पे अभी रिफ्रेश होके फिर आगे बढ़े। यहाँ अभी हम लोग सारा डोसा खा रहे, एक ही डोसा में शेयर कर रहे दो जन, बाकी ट्रैवलिंग के टाइम पे ज़्यादा हैवी खाना ले। देख सकते हो ऊपर, देखो ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, इंडियन टाइगर बन चुका है यहाँ पे, ये देखिए गाइस। और अभी हम लोग कोल्हापुर आने वाले हैं, कोल्हापुर यहाँ से 5 kilometers दूर और है कोल्हापुर। पूरी रात भर जागे भाई, पूरी रात भर जागे, मजा आ गया, ठंडी हवा चल रही, पूरी रात भर जागे, मस्ती की हम लोग, गाड़ी में थे, मजा आई है। तो अभी हम लोग बेलगांव गाँव के रास्ते पे, बेलगांव यहाँ से कुछ 15-25 kilometers दूर है, और यहाँ पे हम लोग खड़े ब्रेक लिए हाईवे पे, देख सकते है ये हाईवे पे रुके, और ये जो रोड है इट्स टोटली डिवाइन फॉर राइडर्स। यहाँ पे इतना स्मूथ रोड है ना, मैं आज तक ये रोड ऐसा देखा ही नहीं। बेलगावी में हम लोग ने स्टॉप लिया ब्रेकफास्ट के लिए, अभी हमने यहाँ पे इडली वड़ा डोसा पूरी भाजी का ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे अभी खाएंगे। गाइस अभी तक का पहुंचे नहीं है, थैंक यू फॉर दिस। तो यहाँ हम लोग सब खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। खाली वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम किया, अच्छा तो मामा मत बढ़ा वॉल्यूम। मैं उसके ऊपर ध्यान देना, मैं वीडियो नहीं बना सकता उसका, मारू स्टेरिंग ज्यादा हिला मत। बच्चा अरे देखो ना सामने, तुम खिड़की क्यों चढ़ा रहे। अभी हम गोवा का ये इंटीरियर है, अभी पनाजी की तरफ जा रहे हैं, पनाजी के बाद हम लोग जाएंगे कोलवा बीच, आप देख सकते उधर, और यहाँ पे कार में सबकी हालत थोड़ी डाउन है क्योंकि रात भर सब जगे हुए, एंड मामू रात से ड्राइव कर रहे हैं बिना रेस्ट किए हुए, एंड मामी उनके सपोर्ट सिस्टम। तो इसी बात पे अभी के अभी जाके लाइक कर दीजिए मेरे मामा मामी के लिए। तो अभी हम लोग इस गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं, इस गेस्ट हाउस का नाम पता नहीं, नाम किधर है बट हाँ, सेकेंड फ्लोर वहाँ रूम है, आपको रूम टूर भी दूंगा बाद में। तो अभी हम लोग इस गेस्ट हाउस में आ चुके हैं, इस गेस्ट हाउस का नाम आपको बताता हूँ, वो नीचे नाम में पड़ा नहीं, तो अभी आपको मैं रूम टूर देता हूँ, सेकेंड फ्लोर में रूम है, एक ये पीछे वाला रूम है फॉर बॉयज, एक ये फॉर गर्ल्स, तो आपको रूम टूर, हमारा रूम नंबर है 201 और मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो रूम से एंटर होते ही ये हमारा वॉशरूम है, इस रूम का अंदर कोई है ओके मैं बता दूँ,
और ये रूम के अंदर का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये टू बेड्स है, वहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेसेस है, यहाँ टीवी, एयर कंडीशन प्लस फैन, एंड यहाँ पे विंडो खोल के इतना खास सीन तो है नहीं, सीनरी है नहीं, बट स्टिल चलेगा। एंड यहाँ पे मिरर है, सो दिस इज गोना बी आवर रूम। आपको फीमेल्स का भी रूम का टूर दे देता हूँ। सो ये फीमेल्स के रूम का ये, हाँ सो ये वॉशरूम जो सेम वो रूम में और ये रूम में दोनों में सेम रहेगा ये। ये वही सेम रूम, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस, दो बेड, टीवी, फैन एंड एयर कंडीशन। और यहाँ पे लगता सीनरी ज़्यादा अच्छी है इन लोग को, ओह मच बेटर देन आवर्स। ये भेदभाव होती है फीमेल्स में। सो ये रूम काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड ये जो बेड है सॉफ्ट कुशन, मजा आ रही है। आया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा बेड है ना। सो ये जो रूम है काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर हमें मिल चुका है, लकीली वी वर लकी इनफ कि हमें रूम मिल चुका है। एंड आज का प्लान आगे पता नहीं क्या है, अभी रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, लंच करेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। सो गाइस अभी शाम के बज रहे 6:47 और सो गए थे हम लोग सब, यहाँ लंच करने के बाद यहाँ सब लोग सो गए थे। अभी शाम के 7 बजे हम लोग बीच के लिए जा रहे हैं। आई नो इट्स वेरी ऑकवर्ड टाइम टू गो फॉर द बीच, बट देखते हैं। सब लोग सो गए थे, होटल ग्रीन व्यू है और इस होटल में हम लोग रुक रहे हैं, मैं और मेरी पूरी फैमिली। एंड हमारा रूम वो सेकेंड फ्लोर पर जो है वो हमारा रूम है, आप देख सकते हैं। के सामने ही यहाँ चर्च है, यहाँ पे कुछ लोकल शॉप्स है, एंड वहाँ प्यारा से एक मूव। अभी हम लोग कॉलवा बीच पे आ गए, बज रहे अभी शाम के 7:32 और बीच तो शायद बंद हो गया रहेगा, लेकिन देखते यहाँ पे हम और क्या एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो ये है कॉलवा बीच, आप देख सकते हैं। इधर हम लोग काफ़ी लेट हो गए क्योंकि सब सो गए थे, दिन में आते तो और अच्छा सीन मिलता। ठंडी हवा चल रही है एंड वहाँ पे बीच है, वहाँ देख सकते। गाइस यहाँ पे बीच हम लोग आ रहे हैं, अपने अपने चप्पलें जमा कर रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ जा रहे हैं अभी। सो अभी हम यहाँ गोवा की लोकल फेयर में आए, मेले में आए, एंड टू बी ऑनेस्ट मेले में जाने से तो भाई मेरी टुपट्टी है भाई, मुझे डर लगता है, बाकी आप लोग जान लो। सो गाइस तो अभी हम लोग आए होटल में, तो गाइस अभी हम आए होटल में, जो हमारे मेन ब्लॉगर है वो यहाँ पर मेन्यू कार्ड देगा। तो गाइस अभी हम लोग तो डिनर करके ऑफिस आ चुके हैं अपने होटल में, अभी यहाँ से अभी सब फ्रेश होके थक के सो जाएंगे, फिर कल सुबह ब्रेकफास्ट करके वापस मुंबई के लिए निकल जाएंगे या फिर कहीं और कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ घूमेंगे। तो गुड आफ्टरनून गाइस, तो आज हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले मोरजाड बीच, वहाँ जाके वाटर स्पोर्ट्स अगर हुआ तो करेंगे, वरना सिर्फ बीच का नज़ारा लेके वी विल बी हेडिंग बैक टू मुंबई। देख सकते हैं ये अभी हम लोग मोरजाड बीच आ गए, एंड सामने बीच है और यहाँ हमारे फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड। तो ये है वो मोरजाड बीच, यहाँ पे पूरा खाली है, पूरा खाली, सामने कोई कपल है और यहाँ पे पूरा खाली, देख सकते हैं आप यहाँ पे पैराशूट पैरासेलिंग के लिए, वाह सही बीच है। तो ये मोरजाड बीच हम लोग है यहाँ पे, और पीछे पूरा समंदर, पूरा बीच खाली है, मैं बताता हूँ आप देखिए पूरा खाली। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इधर का व्यू, भाईजान तुम क्या कर रहे हो?
Our enemies are over there. Khatakai. 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 देखो यहाँ पे हम लोग सब इधर खड़े और फादिल देखो किधर गया। देखो 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 उधर वहाँ इतना दूर है वो फादिल, वहाँ पे घूम रहा है वो, यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर भाग गया वो। और ये फादिल ने यहाँ पे शेल्स कलेक्ट किए। लोग शाम के स्नैक्स के लिए यहाँ बैठे रुके हुए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे एंड अभी हम लोग का प्लान बना है गोवा टू मुंबई से जाते जाते हम अभी गोवा टू महाबलेश्वर जाएंगे, फिर महाबलेश्वर में थोड़ा देर रुक के फिर मुंबई जाने वाले हम लोग। अच्छा कि सडन प्लान बना है। सो आप बने रहिए ब्लॉग में, अच्छा करता हूँ कि आप लोग इस ब्लॉग को अभी तक एंजॉय कर रहे रहेंगे, आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। तो हम लोग का गोवा ट्रिप एब्सोल्युटली सक्सेसफुल रहा, घर आ चुके हैं एंड आशा करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। Bye.